हमारे साथ जैसे पहले रहते थे। अपराजिता जी, आपसे मेरा सवाल है, सचिन सावंत महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं और केरल कांग्रेस भी कह रही है, आप लोगों के लिए कश्मीर का मुद्दा हिंदू मुसलमान का और उनके लिए अलगाववादियों और बाकी बचे भारत की लड़ाई, अलगाववादी वर्सेस इंडिया, आप लोगों के लिए हिंदू वर्सेस मुसलमान, आप लोग भड़काने का काम कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए और तमाम चीजों के जरिए, और सवाल पूछा जाना चाहिए वापसी कब होगी कश्मीर हिंदुओं की। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। जनवरी 19 को कश्मीरी पंडित यादगार दिवस के रूप में मनाते हैं और उस दिन जनवरी 19 की रात जो कुछ भी हुआ था उसे बड़े भारी हृदय से याद करते हैं। जब लाखों कश्मीरी पंडित की जाने गई थी, संपत्ति गई थी और उनकी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ था, और उसके बाद दुख की बात यह है कि जब ये कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनी तो कांग्रेस के लोगों और अन्य लोगों जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं उनके पेट में दर्द हुआ। कश्मीर फाइल्स क्या है? कश्मीर फाइल्स एक यथार्थ का चित्रण करता है, सत्य का को उजागर करता है। विवेक अग्निहोत्री ने इसे बनाई, प्रोड्यूस्ड बाय जी स्टूडियोज, और उसके बाद इनको दुख ये हुआ कि सत्य उजागर कैसे हो गया। देखिए, ऐसा है कि जो भी घटनाएं हुई हम सब वाकिफ हैं, हजारों लाखों कश्मीरी पंडित की जो अवस्था हुई थी उससे पूरा देश वाकिफ है। 1990 क्या हुआ था, राजिता जी, एक सवाल है मेरा आपसे, उसी बात को, ये उसी बात को कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाना फिल्म प्रोड्यूसर्स का काम है या सरकार का, ये प्रोड्यूसरों का काम होता है? देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 370 की याद में दिला दूं, आर्टिकल 35A की मैं याद दिला दूं, इसकी जो स्क्रैपिंग हुई क्यों हुआ, इसके बाद हमारी, अच्छा चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे अपराजिता, कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कितने, कोई नंबर होगा आपके पास सरकार के पास? करीबन जी बिल्कुल 1990 से 92 तक 70,000 हमारे पास नंबर है, 70,000 लोग कश्मीर छोड़ के गए थे, आप याद रखें, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है, अभी बातें हो रही है इस पर, लेकिन 70,000 तथ्य हमारे पास है। आर्टिकल 370 के बाद मैं आपको कह दूं कि और कितनों को सजा हुई, हमारे पास तथ्य हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि बहुत सारी संख्या में हमारे कितनों को सजा हुई जाएं, और अपराजिता जी कितनों को सजा हुई, एक को भी सजा हुई तो बताइए ना, उस नरसंहार के बाद, उस पलायन के बाद, बलात्कार के बाद, खौफनाक रात के बाद, एक को भी सजा हुई है 19 जनवरी 1990 की रात के बाद, एक को भी? अपराजिता जी अगर आप बता दें एक को भी। निश्चित तौर पर मैं वो तथ्य आपको दे दूंगी, उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने कोई भी इस विषय को अंजाम नहीं दिया। अभी 2019 में हम लोगों ने आर्टिकल 370 लाकर, आर्टिकल 35A को स्क्रैप करके, आर्टिकल 370 को हटाकर, हम लोगों ने अब कश्मीरी पंडित को कश्मीर के साथ जोड़ना शुरू किया है और हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाशिम भाई भी है, एक मिनट, उनका मैं कमेंट ले लेता हूं, मैं देरी से उनके पास जा पाया, माफी के साथ। हाशिम भाई, राजनीतिक एजेंडा लग रही है आपको ये फिल्म? हाशिम भाई बोलिए आप। सबको मेरा सलाम हो जी, आदाब हो, नमस्कार। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, एक तो मैंने फिल्म नहीं देखी, दूसरी मैंने कश्मीरी पंडितों पे 1993 में मैंने द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीरी पंडित लिखा है, उसमें जितने भी वाकत सारे हुए थे वो मैंने लिखा है, मेरे ब्लॉक हाशिम कुरैशी ब्लॉक पे मौजूद है। और उस वक्त कोई माई का लाल ऐसी जरूरत नहीं कर सकता था जो वो सच लिखे। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी मेरे भाइयों मेरी बहनों पंडितों पर से ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं एज अ कश्मीरी उनसे और उनकी नस्लों से हर से माफी मांगता हूं, और हमें तमाम मुसलमानों को, तमाम हम जितनी भी बरादरी है, हमें एक दूसरे से माफी मांग के ये गम ये दुख भूलने चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा नफरत के सिवा कुछ नहीं है। नफरत बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात,
इसमें कश्मीरी मुसलमान वो बेचारे तो खुद होमजदा थे। मेरे ऐसे वाकात बेशुमार है जिसमें कश्मीरी पंडितों को घरों में लोगों ने पना दी है, जिनको रात को जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, और ये सारा पाकिस्तान ने कराया, ये उसका मसला, ये हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री को इन लोगों को लीडरों को समझना चाहिए था। हुआ क्या है जनाब, यहाँ से ट्रेन करके उन्होंने ये कश्मीर वैली से, कश्मीर वैली को चूंकि मजहब के तौर पे मुसलमान बनाने के नाते वो अपने साथ मिलाना चाहते, ये उन्होंने सब कुछ किया है। कश्मीरी मुसलमान को खुद बमों से उड़ाया गया, कश्मीरी मुसलमानों की लड़कियों का भी रेप किया गया, कश्मीरी मुसलमानों को गोलियां मारी गई, हवल में बेगुना लोगों को मारा गया, सोपोर में बेगुना को, गौ कतल में बेगुना लोगों को, मतलब कितने लोग मर गए। मेरी ह्यूमन राइट्स में वाजपेयी साहब बैठे थे और सलमान खुर्शीद साहब बैठी, मैंने उनके साथ बात की और वो सारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, आप बंदूक बंदूक से लड़े, लेकिन ये तो कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए। और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बेशुमार लोगों की कश्मीरी पंडितों का, मैं जेल में था तो बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान लड़कों ने सुशील पंडित आप फ्रेम थोड़ा सा किया जाए, मैं आपके पास आ रहा, एक मिनट सुशील पंडित, मैं ये कह रहा हूँ देखिए अमन जी, फ्रेम सही कर लीजिए सर, आ रहा हूँ आपके पास हाशिम भाई। मेरे कान पक गए हैं ये सुनते सुनते, जब जब